गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पार्ट 2 भोजन के घटक पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि खाद्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करें। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहलाते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। इसके विभिन्न उदाहरण आगे हम चित्र में देखेंगे। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोतों का चित्रण किया हुआ है जिनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर शक्करकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं आदि कार्बोहाइड्रेट युक्त स्रोत हैं जिनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। इस चित्रण में वसा के कुछ स्रोतों को चित्रित किया गया है जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल, गिरी, मूंगफली आदि ऐसे स्रोत हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं जिनको खाने से हमें आसानी से वसा की प्राप्ति हो सकती है। इस चित्रण में वसा के जंतु स्रोतों का चित्रण किया गया है, जैसे मांस, मछली, अंडे, क्रीम, घी, दूध, मक्खन ऐसे स्रोत हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं जिनका खाद्य में उपयोग करने से हमें आसानी से वसा की प्राप्ति हो सकती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोतों का चित्रण जिसमें पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों में वर्गीकृत किए गए हैं, इनका चित्रण हम देखेंगे। वसा के स्रोत की तरह ही प्रोटीन के स्रोतों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। इस चित्रण में पादप स्रोत द्वारा प्राप्त प्रोटीन के खाद्य पदार्थ चित्रित किए गए हैं, जैसे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आसानी से हमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा प्राप्त हो सकती है। इस चित्रण में जंतुओं द्वारा प्राप्त प्रोटीन स्रोत दर्शाए गए हैं, जैसे मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे ऐसे जंतुओं से प्राप्त स्रोत हैं जिनको खाने से हमें आसानी से प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है और हमारे शरीर को शीघ्र मात्रा में अधिकतम प्रोटीन उपलब्ध हो सकता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की उचित मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन आगे हम चित्र में अंकित करेंगे। इस चित्रण में विटामिन ए के कुछ प्राप्ति स्रोत चित्रित किए गए हैं, जैसे दूध, मछली का तेल, आम, गाजर, पपीता ऐसे स्रोत हैं जिनको आहार में शामिल करने से हमें आसानी से विटामिन ए की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से विटामिन बी के कुछ स्रोत इस चित्र में अंकित किए गए हैं, जैसे यकृत, चावल, बाजरा ऐसे स्रोत हैं जिनको खाने से हमें आसानी से विटामिन बी की प्राप्ति हो सकती है। इस चित्र में विटामिन सी के कुछ स्रोत अंकित किए हुए हैं। इस चित्र को देखने से लगता है कि जितने भी रसदार फल हैं उनमें विटामिन सी की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, अतः विटामिन सी के लिए सारे रसदार फलों का हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ चित्रित उदाहरण हैं, जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला ऐसे विटामिन सी के प्राप्ति स्रोत हैं जिनको खाने से हम आसानी से विटामिन सी की प्राप्ति कर सकते हैं। इस चित्रण में विटामिन डी के कुछ स्रोत को चित्रित किया गया है, जैसे दूध, मक्खन, यकृत, अंडे, मछली ऐसे उदाहरण हैं जिनको खाने से विटामिन डी की प्राप्ति आसानी से हो सकती है।
इस चित्रण में छात्र द्वारा धूप सेवन को चिन्हित किया गया है क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। जी हाँ विद्यार्थियों, धूप सेवन करना यानी कि कुछ मात्रा में धूप का लेना हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत आगे हम चित्र में देखेंगे। इस चित्र में आयोडीन के कुछ स्रोत अंकित किए गए हैं, जैसे मछली, दही, अदरक, पालक, ऐसे स्रोत हैं जिनसे आसानी से हमें आयोडीन की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से लौह स्रोत के उदाहरण है नाशपति, यकृत, सेब, पालक इत्यादि। ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आसानी से हमारे शरीर को लौह तत्व की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों, आपने कभी नोट किया होगा कि यदि सेब को हम काटकर कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके वो आयरन ऑक्साइड बनाता है जिससे उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। अतः ये क्रियाकलाप सेब में लौह तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि सेब में अत्यधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। इस चित्रण में कैल्शियम प्राप्ति के कुछ स्रोत अंकित हैं, जैसे दूध और अंडे। ऐसे स्रोत हैं जिनसे कम समय में अधिक मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इस प्रकार हमने चित्र में देखा कि कुछ खनिज लवणों के विभिन्न प्रकार के स्रोत जो हमारे खाद्य में जरूरी हैं, क्योंकि शरीर को खनिज लवणों की अल्प मात्रा भी आवश्यक होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। सारणी में प्रेक्षणों को लिखते समय हमने अवश्य देखा, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आहार के साथ अक्सर कच्चे अंकुरित मूंग और सलाद काम में लिया जाता है। ये एक प्रकार का वृक्षांश का ही उदाहरण है जो हमारे पाचन क्रिया को सरल बनाता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है, इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। इस क्रियाकलाप के अनुसार हम एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लेंगे, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ में विभिन्न प्रकार के पोषकों का होना आवश्यक है जो हमारे शरीर की सेहत के लिए जरूरी है। आज के अध्ययन बिंदु पर आधारित अभ्यास प्रश्न, गृहकार्य प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरा, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तीसरा, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। चौथा, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे पहला वसा, ख मंड, ग आहारी रेशे और ग प्रोटीन। विद्यार्थियों से अनुरोध है इन प्रश्नों के उत्तर अपनी
कॉपी में लिखें और इन्हें याद करें। धन्यवाद।